तेजी से यहाँ पर उपचार के आज महिलाएं इतनी परेशान हो रही है, हकी माँ बापियों के चक्कर में आज माता बहनों खेतों में काम करती है, आज राजपुतों को अन्य महिलाओं को सड़क पर आना पड़ा, ये किस कारण से रहा है? जमीन की रखवाली करें या कलेक्टर के चक्कर लगाए? महिला को करता हूँ से पधारे हुए क्षेत्र के सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, हमारे परम आदरणीय ग्रामीण विधायक भाई फूल सिंह जी मीणा जी, हमारे पूर्व प्रधान और भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय तकेसी सक्तावत साहब, बहुत ही दुख का विषय है आज हमारी सब बहनों को और भाइयों को भूमाफियाओं के करतूतों की वजह से कलेक्टर के बाहर एक धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं ये सरकार में बैठे लोग, और किस प्रकार से अवैध ढंग से जमीनों का कारोबार कराकर किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनकी भूमि को हड़पने का प्रयास किया है। कहीं न कहीं आपस में मिलीभगत, प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारी, पुलिस तंत्र और इन भूमाफियाओं के बीच है। जिस प्रकार से फर्जीवाड़े तरीके से रजिस्ट्रियां हो रही हैं, और रजिस्ट्रियां भी इस प्रकार से हो रही हैं कि जिनके परिवार में जो दिवंगत हो गए उनके नाम से फर्जी व्यक्ति खड़ा कर रजिस्ट्री करवा रहे हैं, ये कौन सा लोकतंत्र है? आज ये बहन बेटियां हमारे भाई सब यहाँ पर आए, क्या आज इन्होंने ये दिन देखा? ये
मेहनत मजदूरी और अपने उपज को ठीक ढंग से बाजार में ला सकें, ठीक ढंग से अपनी खेती कर सकें और जो कुछ भी इनके पास में आजीविका के साधन हैं अपनी जमीनों को संभालकर अपने परिवार का भरण पोषण करें। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लई के गुड़ों में जिस प्रकार से एक विशेष ने मिलकर कुछ भूमियों के मिलकर और कुछ वहीं के लोगों के साथ में लेकर जिस गलत ढंग से जमीनों को बेचैन कर दिया है, उसकी रजिस्ट्री करवा दी है और जब महेंद्र सिंह जी को और वहां के ग्रामवासियों को मालूम चला कि इस प्रकार का काम कतिपय लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई खौफ उनके मन में नहीं है क्योंकि वह व्यस्त इस काम को करने के लिए। अरे गरीबों की हाय, मध्यम वर्ग की हाय और जिसकी जमीन की जगह हाय लगेगी ना तुम्हारे वाले जो ये तुम्हारी पीढ़ियां है वो अन्न के लिए मोहताज हो जाएगी। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, आज हम सभी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि वास्तव में अभी जिस प्रकार के 2-3 कार्यालय इस उदयपुर शहर के अंदर हैं और उसके अंदर जो बैठे हुए अधिकारी हैं, ऐसा कोई भी काम जो गलत हो वो तुरंत प्रभाव से उसको बहुत बड़ी राशि लेकर उसको काम को करवा देते हैं। साक्ष्य लेना हो तो उदयपुर की पहाड़ियां देख लो, उदयपुर की किला नाम जमीनें देख लो और ये ताजा उदाहरण आपके सामने है कि गरीब और असहाय किसानों की जमीन भूमियापियों से किस प्रकार से सौदे कराकर रजिस्ट्री विभाग में भी 2-3 ईमानदार आदमी उनको छोड़कर सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। सारे के सारे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जब तक ये दोषी लोग चाहे भूमि चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे बड़े से बड़ा आदमी सरकारी अधिकारी हो, गहलोत सरकार निवेदन करना चाहते हैं आपके राज्य में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं टूट चुकी है, किसी प्रकार का कोई भय इनके दिमाग में नहीं है और आए दिन जिस प्रकार से घटना हो रही है, महिला अपराध में तो बढ़ोतरी हुई है लेकिन ये पैसे कमाने के काम गलत ढंग से जो पैसे कमा रहे हैं उनको सिक्के के पीछे लाने का काम आज हम सभी लोग मिलकर आज करेंगे और प्रशासन को आगाह करेंगे। यदि इन्होंने समय पर कार्रवाई नहीं की तो इसी जिलाधीश कार्यालय के बाहर हम अनशन पर बैठेंगे, हम यहाँ पर धरने पर बैठेंगे और तब तक इन अधिकारियों को चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो और इनके खिलाफ जो FIR हमने कराई है वो FIR जिस थाने में कराई है वहाँ के अधिकारी तुरंत जाकर SP महोदय से भी बात करेंगे। अभी ये कौन सा आपका ये राज चल रहा है आपका? एक मामला और आया, अभी एक जमीन और है सेक्टर 14 में एल ब्लॉक में, वहां पर मेरे पास अभी फोटो बता सकता हूँ, उसके अंदर भी ऐसे लोग जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और उसके अंदर पुलिस के 2 सिपाही भी उसके अंदर लगे हुए हैं। रक्षा की जब पक्षक बन जाए तब उनसे कौन निपटेगा? मैं सोचता हूँ प्रशासन में बैठे लोगों को केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए मत नहीं, वो जनता की उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। आज भाइयों बहनों मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हम तब तक यहाँ पर और चाहूंगा जिस व्यक्ति ने यहाँ पर रजिस्ट्री करवाई है जिला कलेक्टर भी उस व्यक्ति को यहाँ पर बुलाए, उनके सामने स्पष्टीकरण करे, तभी इस मामले का निस्तारण होगा। SP महोदय से बात करेंगे और जो FIR अभी तक आपने FIR के बाद अभी तक क्या कार्रवाई की है अवगत करा जाए। एक बार आप भाइयों बहनों का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज हमारी बहनें जो संभ्रांत परिवार की है, सभी संभ्रांत परिवार के भाई बहन है, लेकिन आज इन्होंने आज इस बात की चिंता नहीं की है कि हम संभ्रांत परिवार की हैं लेकिन हमारे हक के लिए जमीनों पर हमारे सड़क पर उतरना पड़ेगा तो भी हम पीछे नहीं रहेंगे। और आज आपने सिद्ध कर दिया है कि अपने वाजिब हक के लिए अपनी कोई जमीनों को इस प्रकार के ये खरीद फरोख्त कराकर अब दूसरों के नाम पर ट्रांसफर करके ये भू माफिया जिस प्रकार से कारोबार कर रहे हैं, इस प्रकार का ये भ्रष्टाचार की जो सीमाएं लांघ चुके हैं, हम वापस चाहेंगे जो हमारी जमीनें गलत ढंग से इन्होंने रजिस्ट्री करवाई है वो हमको तुरंत प्रभाव से हमको वापस प्रदान करी जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, भ्रष्टाचारियों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। इन भूमाफियाओं से कौन लड़ेगा?